से राजस्थान में चार आतंकियों के घुसने की खबर यहां पर मिल रही है। सीमावर्ती बाड़मेर जिले में हाई अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। बाड़मेर पुलिस ने अफगानी आतंकी का स्केच भी यहां पर जारी किया है। सभी संवेदनशील स्थानों सहित बॉर्डर थानों में चौकसी बढ़ा दी गई है और सभी थानों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही कड़ी निगरानी रखने के निर्देश यहाँ पर साफ तौर पर दिए गए हैं। एडिशनल SP किम सिंह भाटी ने ये जानकारी यहाँ पर दी है और जानकारी देते हुए ये कहा है कि दरअसल गुजरात के रास्ते चार आतंकवादी राजस्थान के अंदर आए हैं और ये दरअसल स्केच हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, लेकिन आप इन स्केच को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपको इससे मिलते जुलते चेहरे भी आपके इर्द गिर्द संदिग्ध गतिविधियों में शामिल दिखाई देते हैं तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए, क्योंकि ये आतंकी राजस्थान पहुंच चुके हैं। पुलिस सतर्कता बरत रही है। मेरे सहयोगी पप्पू ब्रिजवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू ब्रिजवाल, जिस तरीके से चार आतंकियों के घुसने की जानकारी यहां पर दी गई, लेकिन स्केच क्या एक का जारी किया गया, चारों का जारी कर दिया गया? देखिए विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि सीमावर्ती बाड़मेर जिले में हाई अलर्ट पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो राजस्थान में आतंकियों के घुसने की जो खबर आ रही है उसके बाद में बाड़मेर पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आज जो एक आतंकी का केस जारी किया गया है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी से भी मेरी बातचीत हुई थी, उनका अभी तक एक ही केस जारी किया गया है। जी अच्छा, इस दौरान पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, अगर ये आतंकी यहाँ पर घुस गए हैं तो इनको ढूंढने के लिए किस तरीके की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है, टीमें बनाई जा रही है और क्या कुछ बताया जा रहा है, किनको निशाने पर ये ले सकते हैं? देखिए विजेंद्र, क्योंकि 2009 में भी यहाँ बाड़मेर जिले में एक आतंकी पकड़ा गया था, उसके बाद बाड़मेर जिला वो संवेदनशील जिला है और जो देश का जो तेल क्षेत्र है वो बाड़मेर जिले में निकलता है, तो कहीं तो जो संवेदनशील इलाके वहाँ पर चौकसी बरती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो हाई अलर्ट पुलिस ने जारी किया उसके बाद में होटलों और अन्य जगहों की जो जाँच पड़ताल होनी चाहिए वो अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट का आदेश जारी किया, लेकिन जिस तरीके से फील्ड में उतर करके जो सुरक्षा एजेंसियां उनसे तालमेल मिला करके जिस तरीके से जांच पड़ताल करने के लिए वो अभी तक बिल्कुल। शुक्रिया पीके तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस दौरान उम्मीद करेंगे कि संदिग्ध के जो फोटो यहां पर दिखाया जा रहा है उसको हर होटल के अंदर, हर पुलिस स्टेशन के, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चस्पा कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी अगर संदिग्ध दिखाई दे तो फिर वहां पर पुलिस को तुरंत इत्तला कर दिया